हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका क्रिएटिव स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर अपनी स्पेशल क्लास में लेके आए हैं आपके लिए एक लेटर का प्रोनंसिएशन, जिसमें पढ़ने पर अक्सर आप लोगों को या और लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि किस जगह जो हमें जी को जा पढ़ें और किस जगह हम जी को गा पढ़ें। इससे पहले हमने सी का प्रोनंसिएशन कर लिया था, वो भी शायद आज तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ फ्रेंड का मेरे पास फोन भी आया था कि सर ये प्रोनंसिएशन चल रहे हैं, आप अगर साइलेंट लेटर लेते लेते तो अच्छा था, हमें वो समझ में नहीं आते, हमें बिल्कुल नहीं आते। तो हमने उनसे बोल दिया है कि पहले हमारे प्रोनंसिएशन हो जाएं, उसके बाद हम साइलेंट लेटर भी ले लेंगे कि ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं वो कौन कौन से लेटर हैं, उनमें से जो है जो इंग्लिश वर्ड में साइलेंट रहते हैं। पहले हम अपनी प्रोनंसिएशन कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके साइलेंट लेटर भी ले लेंगे। क्योंकि इस आने वाले जो टाइम है उसमें 2 महीने तक तो कोई ऐसी खास एग्जाम होने वाली है नहीं है, क्योंकि रीट का एग्जाम 3 सितंबर को फिक्स हुआ था, उसका भी कोई चांस है नहीं कि हो जाए, और कोर्ट का भी अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो अभी काफी टाइम है हमारे पास, बस बने रहिए और अपने इंग्लिश के जितने भी आपके कंफ्यूजन है उनको दूर कीजिए। चलो तो आज हम लेते हैं आपका सबसे बड़ा जो डाउट है आपको जी के लिए जी का प्रोनंसिएशन कब जा और कब गा में होता है। बस कुछ नहीं, जैसे हमने सी में याद किए थे वाई ई और आई, सेम ऐसे जी में याद कर लीजिए, बाकी आप पैसा कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या कि अगर जी के बाद कोई वर्ड दिया गया है इंग्लिश का, और उस जी के बाद चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे वो बीच में हो, अगर जी के बाद आई दिया गया हो या वाई हो या फिर आपका ई दिया गया हो, तो उस जगह उस जी का प्रोनंसिएशन आपको जा में लेना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए, जैसे आई का है इमेजिन, आई एम ए जी आई, जी के बाद आई दिया गया है तो इमेजिन, इस जाम इस जी का जो प्रोनंसिएशन है वो यहाँ आपको जाम में लेना है। सेम ऐसे ही इंजन, जी के बाद आई दिया गया है तो इस जा का भी आपका प्रोनंसिएशन जाम में लेना है। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड होंगे उनको आपको जी के बाद जो भी होगा वो सब आपका जामे आपका प्रोनंसिएशन आपका लेना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जो इस एक्सेप्शन को छोड़कर मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से है। अगर जी के बाद वाई दिया गया हो तो भी इस जी का जो प्रोनंसिएशन है आपको किसमें लेना है, वो लेना है आपको जाम में। देखिए जी वाई एम, जी के बाद अब वाई है तो इसका जिम जाम प्रोनंसिएशन होगा। जिप्सम, जी के बाद वाई है तो ये भी आपका जाम में प्रोनंसिएशन होगा जिप्सम। इसके बाद देखिए अगर जी के बाद आपका दिया गया हो ई तो फिर आपको क्या करना है, वही जाम में प्रोनंसिएशन लेना है। जैसे सी ए जी ई केज, पी ए जी पेज, एज, जिंजर एंड जेंडर। देखो जी के बाद ही है तो स्टार्टिंग में, जी के बाद ही है तो भी इसका हमने प्रोनंसिएशन लेना है जामे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये 3 लेटर आपको याद रखने हैं आई वाई टी, बाकी सभी के साथ आपको गा बोलना है, बस कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन मैंने दिए हैं यहाँ, देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद, जो ये अपवाद वो होते हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते। देखिए जैसे क्या है, देखो मैंने यहाँ बताया अगर जी के बाद आई दिया गया हो तो जी का प्रोनंसिएशन क्या होगा, जा। लेकिन एक्सेप्शन में है गिव, जी आई वी, जी के बाद आई है लेकिन ये जा नहीं बोल रहा है या गा बोल रहा है, एक्सेप्शन में जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करता। बस एक्सेप्शन हमें जो है, इनके अलावा और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, इस एक्सेप्शन को आप लर्न कर लीजिए, बाकी सभी पर ये रूल्स जो है वो फॉलो करेगा। इनके अलावा सभी के साथ आपको क्या लगाना है, गा को लगाना है। देखिए गिव, गर, गिफ्ट, जी के बाद आई दे रखा है तो यहाँ गा बोल रहा है। फिंगर, जी के, देखो जी के बजाय ई है, हमने बोला था जी के बाद अगर ई होने पर जा बोलता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है। फिंगर, लिंगर, सिंगर, हंगर। गिव, जी के बाद ई है, आई है तो ये भी आपका गिव बोलेगा, जी के बाद आई है ये भी आपका क्या बोलेगा, बिगिन का। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं आपके, लेकिन एक्सेप्शन में है। इन एक्सेप्शन के लिए आप क्या करिए, एक नोटबुक बना लीजिए, जिसमें क्या होगा ये एक्सेप्शन अगर आप याद कर लेंगे ना तो फिर आपको बस बाकी कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन गिनती के कुछ होते हैं बस, बाकी सभी में ये आपका रूल फॉलो करेगा। इसके बाद देखिए आप कि जी का प्रोनंसिएशन जो है वो हमें गा कब लेना है। बस जैसे हमने यहाँ बोला था आई वाई और ई को याद कर लीजिए, बाकी जा और सभी लेटर्स के साथ आपको यूज कर देना है गा। देखिए अगर जी के बाद आई वाई ई के अलावा कोई भी लेटर्स हो, बस इनको छोड़ के कोई भी लेटर्स हो, चाहे वो कंसोनेंट हो चाहे वो आपका वाउल्स हो, सभी के साथ आपको गा यूज करना है। देखो एग्जाम्पल हमने याद दे दिए, जैसे हमने यहाँ लिख के भी दिए हैं, जैसे ओ ए एल यू आर, ठीक है, इन ये हो तो भी गा बोलता है, बाकी जो भी कंसोनेंट है उनके लिए भी आपका क्या बोलता है, गा। लेकिन इनमें भी कुछ क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ, लेकिन बाकी में सभी में ये फॉलो करेगा रूल्स। जी के बाद ओ गोल्ड, गो, जी के बाद ए हो गैप, जी के बाद एल हो ग्लैंस, ग्लेड, जी के बाद यू हो गल्प, जी के बाद आर हो ग्रीन, ग्रो, और भी बहुत हो सकते हैं,
ये आपको बस फॉलो याद करने रूल्स, बाकी आप तो ये भी देख लो, मेन तो आप ये देख लो कि जी के बाद आई वाई ई हो तो आपको जा, बाकी सभी के साथ गा यूज कीजिए, बस आपका जी का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं क्या है, जैसे इमेजिन होगा, इमेजिन जी के बाद आई था, इमेजिन हमने बोला, इंजन बोला हमने, यहाँ भी जी के बाद आई है, लेकिन कहीं कहीं क्या है एक्सेप्शन में, और कुछ नहीं है, बस आप इनको एक्सेप्शन याद कीजिए, बाकी सब में रूल्स फॉलो करेगा। आगे क्लास में फिर हम आपको इतने लेटर लेकर आएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, धीरे धीरे करके आपके सभी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएंगे क्लियर। बस आप हमारे जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्कूल वेयर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे चल के हमारे जितने भी वीडियो हैं जो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, और आपकी जो इंग्लिश की जो ग्रामर है, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये सभी आपकी सॉलिड हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।